नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। तो आज का कृषि फसलों का हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6250 पर है, आज 3% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज कैसे के अंदर एकदम से उछाल आता हुआ नजर आया है, तो क्या इस कारोबारी सप्ताह पॉसिबल है कि कैसे के अंदर 6500 के भी लेवल्स देखने को मिल पाए? देखिए, कैस्टर की मूवमेंट अगर देखें चार्ट पे तो एक रेंज में ये कमोडिटी स्टक थी। अपर साइड में 6250 के आसपास के रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जो है ये कैस्टर में अक्टूबर में जो 6000 के आसपास के थे। अभी कमोडिटी जो डेली मूवमेंट है आज की 5980 से 6250 के अराउंड मूव किया है और चांसेस ये लग रहे हैं 6250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कमोडिटी जो है ये 6500 की तरफ अप्रोच करेगी और अभी यहां से बाइंग इनिशिएट करने का बिल्कुल राइट टाइम लग रहा है कैस्टर में जी। तो यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और अगर कैसे सीट 6250 के स्तर पर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल जाती है, तो कैसे के अंदर 6500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो देख रहे हैं वो आज भी 2500 के दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, बिनौला खल में ये सीमित दायरे में कारोबार कब तक देखने को और मिल सकता है? देखिए, कोकुड़ की बात करें तो कोकुड़ में प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि ऑयल सीड पैक से भी मूवमेंट देखने को मिल रही है अपसाइड की और साथ साथ में कॉटन से भी देख रही है, तो ये दोनों काउंटर जो है ये इसे सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से कोकुड़ जो है ये अपसाइड में 2700 से 2750 की रेंज में मूव कर सकता है। यहाँ से स्टॉप लॉस जो है ये भी काफी छोटा बन रहा है, 2400 के आसपास का सपोर्ट है, तो 2400 के सपोर्ट के साथ यहाँ से बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है कोकुड़ पे भी जी। यही से रविंद्र जी बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसालों में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि सितंबर में जो एक्सपोर्ट्स है स्पाइसेस के उनमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। हालांकि अब कुछ खबरें निकल के सामने आई कि जीरे का निर्यात बढ़ सकता है और जो अगली क्रॉप है वो भी अच्छी देखने को मिल सकती है, धनिया की और हल्दी की। आपको ऐसे में क्या लगता है, मसाला कॉम्प्लेक्स में अब क्या प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे? देखिए, यहाँ से लगभग 2 हफ्तों का समय रह गया दिवाली आने में, 2 से 2.5 हफ्तों का, और जब तक दिवाली नहीं होती प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि डिमांड जो है वो थोड़ी इंक्रीज उस पे ही रहेगी बेस पे, और डिमांड की वजह से प्राइसेस जो है थोड़े सपोर्टेड रहेंगे और जैसे ही अराइवल्स होंगे और उसके बाद में जैसे आप बता रहे हैं कि अभी मार्केट में न्यूज है कि जो इसका प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा हो रहा है, तो उसके बाद में दिवाली के बाद में हम देखेंगे कि अगर वैसा कुछ होता है, मार्केट में रिपोर्ट आती है प्रोडक्शन ज्यादा होने की, तो चांसेस हैं कि फिर वहां से करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन अभी दिवाली तक ये सपोर्टिव रह सकते हैं जी। यहीं से रविंद्र जी एक नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देखने की ग्वार गम का अक्टूबर वायदा 11288 पर है, लगभग 5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। और बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा भी 6277 पर है और 6395 का ही लगा चुका है, 3% का ऊपरी सर्किट ग्वार सीड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आपने जो लेवल्स दिए थे ग्वार के, अब वो अचीव होते हुए नजर आ गए हैं कहीं ना कहीं। अब आपको क्या लगता है, यहाँ से ग्वार का वायदा बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ से तेजी आएगी या फिर यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगी? देखिए, ग्वार कम्प्लेक्स की बात करें तो ग्वार कम्प्लेक्स जो है ये क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से ज्यादा सपोर्टिव दिख रहा है क्योंकि क्रूड प्राइसेस जो है ये भी अपसाइड मूव कर रहे हैं। ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस आज 2.5% के आसपास अपसाइड मूव कर चुके हैं और वही ग्वार कम्प्लेक्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि ग्वार में हमने देखा था कि लंबी कंसोलिडेशन के बाद प्राइस मूवमेंट जो थी ये अपसाइड थी, बीच में थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड भी था क्योंकि उस टाइम पे फंडामेंटल इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी जो है ये फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ में टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी इन लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस जो है वो बनाना सही नहीं रहेगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है यहाँ से। और यहाँ से ग्वारगम की बात करें तो यहाँ से अभी और अपसाइड देखने को मिल सकती है, 11800 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में 6500 से 6600 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो ये कमोडिटी भी वहां तक मूव कर सकती है जी।
तो यानी कि ग्वार गम के अंदर 11,800 के और ग्वार सीड के अंदर 6500 से 6600 तक के लेवल्स अभी भी देखने को मिल सकते हैं। ये कमोडिटी अभी और ज़्यादा अपसाइड में मूव करती हुई नज़र आ सकती है। यहीं से नवेंद्र जी नज़र डालें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो देख रहे हैं कि आज मस्टर्ड सीड के अंदर कुछ अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया है, सरसों के अंदर आज कुछ खरीदारी बनती हुई नज़र आई है। आपको क्या लगता है सरसों में आगे कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए सरसों की बात करें तो सरसों में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ से प्राइस मूवमेंट लग रही है कि सरसों जो है ये अपसाइड में 8600 तक के लेवल में मूव कर सकती है। 8600 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो कमोडिटी फर्दर अपसाइड दिखा सकती है, लेकिन अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ज्यादा लग रही है क्योंकि 8400 से 8600 की रेंज में रह सकती है। जी ये सर रविंद्र जी बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी देख रहे हैं कि आज बाइंग निकल के सामने आई है। आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में अभी कुछ तेजी देखने को मिल पाएगी या फिर अराइवल्स के चलते मार्केट्स में थोड़ा जो नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आया है उसकी वजह से डाउनफॉल देखने को मिलता रहेगा? देखिए सोयाबीन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा लग रही है कंपैरेटिव बाइंग साइड में। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो है ये एक्सटेंड हो सकती है हमारे 6000 के लेवल तक, लेकिन वहां से सस्टेन कर पाना उससे ऊपर मुश्किल लगता है और प्राइसेस जो है ये स्लिप कर सकते हैं अगेंस्ट 5700 के आसपास। तो यहाँ से अगर बाइक करना भी है तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही बाइंग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी रविंद्र जी बात करें अगर कॉटन की, तो आपको कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या लगता है? जिस हिसाब से कॉटन की फसलें पिंक बॉल वॉर्म की वजह से खराब होती हुई नजर आई है और प्रोडक्शन और जो डिमांड है डोमेस्टिक डिमांड वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो कॉटन में आगे क्या प्राइसेस रह पाएंगे? देखिए कॉटन की बात करें तो कॉटन में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। प्राइसेस जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में भी अपसाइड ही मूव कर रहे हैं और अभी हम देखें तो 106 सेंट के आसपास कॉटन जो है ये मूव कर रही है इंटरनेशनल में। अभी चांसेस हैं कि ये 112 को अगर ब्रेक करते हैं तो फर्दर अपसाइड 125 तक की देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो डोमेस्टिक MCX कॉटन प्राइसेस भी अपसाइड में मूव कर सकते हैं। यहाँ से 31800 से 32500 तक की रेंज अपसाइड में देखी जा सकती है अगर इंटरनेशनल कॉटन जो है ये अपसाइड में 112 सेंट को ब्रेक करता है तो। जी रविंद्र जी आपके मुताबिक कमोडिटी बाजार के वो टॉपिक्स कौन से रहेंगे जिनके अंदर इस कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? इस हफ्ते में धनिया को भाई करके चल सकते हैं। धनिया में स्टॉप लॉस रहेगा 7600 का, अपसाइड में 8600 से 8800 तक की रेंज इसमें देखने को मिल सकती है। और दूसरी मेरे को यहाँ से कॉटन काफी कोकुड काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। कोकुड एक छोटे डिप पे बाय कर सकते हैं 2480 के अराउंड और स्टॉप लॉस रहेगा 2400 के नीचे का, ऊपर में टारगेट करेंगे 2700 से 2800 के रेंज। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार किस भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर वायदा बाजार में कितनी मनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में बस इतना ही। नमस्कार।